हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट का एक और नया लेक्चर जिसका नाम है प्योरली एल सर्किट। ये अल्टरनेटिंग करंट का जो टाइप्स है सेकंड नंबर प्योरली एल सर्किट। तो हेडिंग लगाए बच्चों प्योरली एल सर्किट क्या होता है। एल को हम लोग कहते हैं बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस, जो कि आपने इसके पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है। तो आइए समझते हैं प्योर इंडक्टर ये एसी सोर्स के साथ कैसे वर्क करता है और इसमें वोल्टेज लीड होता है कि करंट लीड करता है, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेडिंग रहेगा आपका प्योर एल सर्किट, ये आपकी हेडिंग है। और यहां पर हम क्या लेंगे बच्चों, एक इंडक्टर लेंगे। इंडक्टर मतलब एक घुमा हुआ क्वायल, कोई ऐसे कई टर्न्स में वो क्या रहेगा, वाउंड किया रहेगा क्वायल, कोई क्वायल जिसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया क्या है, नेग्लिजिबल है। रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल। और इसे मैंने किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना हमने लेट कर लिया, कैपिटल एल है। एक क्वायल होता है बच्चों ऐसे, है ना, कई टर्न्स में फेरा रहता, कई टर्न्स में, तो ऐसे क्वायल को हम लोग इंडक्टर कहते हैं। और इसका अपना सेल्फ इंडक्टेंस होता है, आपने इसको पढ़ा है सेल्फ इंडक्टेंस। जब करंट इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है तो फ्लक्स में चेंजेस होने की वजह से एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है और वो करंट में चेंजेस का अपोज करता है। दैट कैन यू से कि जो अल्टरनेटिंग करंट है इसमें अगर फ्लो करेगा तो उसके चेंजेस का ये क्या करेगा, अपोज करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो ये अपोज कैसे करेगा। तो आइए समझते हैं, जैसे ही करंट यहाँ सडनली फ्लो किया, किसी इंस्टेंट पर करंट फ्लो किया और वो करंट क्या करना चाहता है बच्चों, इनक्रीज करेगा। करंट क्या करेगा, इनक्रीज। तो सबसे पहले हम यहां पर लेट करेंगे कि एट एनी इंस्टेंट वोल्टेज की जो इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम लेट करते हैं, ये हमने अप्लाई किया है अप्लाइड वोल्टेज वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट सडनली यहां पे फ्लो करेगा। अब इस करंट का डायरेक्शन कभी इस साइड से होगा तो कभी इस साइड से, मतलब कभी पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा तो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ये तो नेगेटिव ये, तो ये अल्टरनेट चेंज होता रहेगा वोल्टेज ही। तो हमें ये देखना है करंट की इक्वेशन क्या बनेगी अगर वोल्टेज किसी भी इंस्टेंट पे वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं किसी टाइम पर करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉक वाइज करंट आई फ्लो कर रहा है। ये है आपका अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू, ये किस इंस्टेंट पे फ्लो कर रहा है। जैसे ही फ्लो करेगा ये करंट इंक्रीज करेगा, उस टाइम पर इंक्रीज कर रहा होगा तो करंट की इंक्रीजिंग का क्या करेगा, ये अपोज करेगा, जस्ट अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा। इस चीज की कहानी आप पढ़ चुकी हो, तो वो ईएमएफ का डायरेक्शन जो होगा कुछ इस डायरेक्शन होगा, मतलब इधर पॉजिटिव होगा नेगेटिव, और एक इंड्यूस्ड करंट इसमें फ्लो होगा जो इस मेन करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा जब ये करंट इंक्रीज कर रहा होगा। तो हम अपनी जानकारी के लिए, समझ के लिए हम यहाँ प्लस लेट कर लेते हैं, यहाँ माइनस। तो एक पोटेंशियल में डिफरेंस हमें वोल्टेज कह सकते हैं इसको, या हम वोल्टेज मिलता है हमको वो लेट करेंगे वी एल। एक वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, यही वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज का क्या करता है, अपोज करता है। अप्लाइड वोल्टेज का मतलब ये हो करंट का भी अपोज करेगा और इसमें एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, ये सारी कहानी आप सबको पता है। तो फिर हमें क्या देखना है कि जो यहाँ पे वोल्टेज होगा हमारा, वोल्टेज वो इस, ये वोल्टेज ये पूरा इस पर अप्लाई हो जाता है, टोटल वोल्टेज ये जो हमने अप्लाई किया है इसके अक्रॉस आ जाता है, इसके इक्वल हो जाता है। तो ये वोल्टेज जो है वी करंट से कितना लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है, ये हमें चेक करना है और पता लगाना भी है।
तो उसके लिए करंट की इक्वेशन कैलकुलेट करना कंपलसरी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम एक क्लोज सर्किट देख रहे हैं, और जब भी क्लोज सर्किट देखिए और मोर देन वन वोल्टेज दिखाई पड़े, एक से ज़्यादा वोल्टेज दिखाई पड़े और क्लोज्ड सर्किट हो, तो आप वहाँ पर किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग KVL, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे बच्चों। तो वो कहता है समेशन ऑफ डेल्टा वी ज़ीरो, मतलब किसी क्लोज सर्किट में अगर हम ये इसका एक क्लोज सर्किट ले लेते हैं, क्लॉकवाइज जैसे पाथ सिंगल चूज कर लेते हैं, किरचॉफ्स लॉ आप लोग अप्लाई करेंगे, तो एक क्लोज सर्किट में नेट वोल्टेज ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज वी एल है, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव से पॉजिटिव या और आप बढ़ रहे हो ऐसे, तो इसका साइन जो होगा पॉजिटिव लेंगे वी एल, और यहाँ भी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं तो आप इसका भी साइन क्या लेंगे, प्लस वी इज इक्वल टू ज़ीरो। फैराडे लॉ से आपने वी एल की वैल्यू पढ़ा है, इस वी एल की वैल्यू होती है माइनस एल डी आई बाई डी टी, और वी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो आप वी नॉट साइन ओमेगा टी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू आएगी एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये वोल्टेज आपका आपस में इक्वल हो गए। अब करना क्या है हमको, करंट की इक्वेशन लिखनी है, किसकी इक्वेशन, करंट की इक्वेशन। तो क्या करेंगे, यहाँ से आप डी आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई एल को डिवाइड कर देंगे, तो और डी आई इज इक्वल टू डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई एल डिवाइड, तो वी नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, ये आपका मिल जाता है। ठीक है, डी आई की वैल्यू स्मॉल करंट एट एनी स्टैंड की बात हो रही है, अगर हमें टोटल करंट निकालना है एट एनी स्टैंड पर तो क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई, और डी आई की वैल्यू हमें यहाँ पे मिला हुआ है, इसको वैल्यू पुट करेंगे V नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, ये मिल जाएगा। V नॉट बाई एल बच्चों कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, तो V नॉट बाई एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ये फार्मूला होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, यहाँ साइन ओमेगा टी है और यहाँ डी टी है, अगर सिर्फ टी होता तो ये कॉस टी माइनस कॉस टी कर देते, बट यहाँ ओमेगा एक्स्ट्रा है बच्चों, तो जिनको इंटीग्रेशन आता है वो तो समझ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आएगा, बट जिनको नहीं आता इंटीग्रेशन करना वो ट्रिक के फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं कि जितना एक्स्ट्रा है बच्चों उतना डिवाइड हो जाएगा, जैसे साइन का इंटीग्रेशन कॉस में होता है, तो कॉस में एक्स्ट्रा क्या है ओमेगा, तो ओमेगा भी आएगा और साथ में जितना एक्स्ट्रा है ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। तो ये इन आई की जो इक्वेशन आएगी माइनस वी नॉट बाई एल, ये कॉस लिख दीजिए इसको ओमेगा टी, ओमेगा एक्स्ट्रा है तो ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा नेगेटिव साइन के फॉर्म में, ओमेगा को इसके साथ कर लेंगे तो आई की वैल्यू माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू मिल जाती है। अब हमें आई की वैल्यू मिल गई, अब जरा ये सोचिए कि ये क्या कॉस और ये साइन आपस में कंपेयर हो सकते हैं कभी, अगर हमें कंपेयर कराना है वी और आई का कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग्स बिहाइंड है, तो हमें दोनों साइन होनी चाहिए, फंक्शन जो है ये सेम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम कॉस को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में। तो अब ध्यान दीजिए बच्चों, आपने इंटीग्रेशन किया है एक चीज, बट यहाँ पे एक कांस्टेंट भी जुड़ता है साथ में, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होती है
कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होने से इसमें प्लस कांस्टेंट के, वेयर के इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, के इज द, के क्या है इसमें, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई पूछे आपसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका अप्लाइड वोल्टेज, ये क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसका कर्व साइनसोइडल कर्व होता है, होता है कि नहीं होता, साइनसोइडल कर्व होता है, तो वी एक्सपेक्ट करंट का भी क्या होगा, अगर हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे उसके लिए, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि करंट का जो भी ग्राफ हो, कर्व हो, वो भी साइनसोइडल होगा। और जब साइनसोइडल होगा बच्चों, तो वन टाइम पीरियड की मैं अगर बात करूँ, वन टाइम पीरियड की मतलब कि ओमेगा टी की मैं बात करूँ, यानी मतलब कि वन टाइम पीरियड या वन साइकिल की बात करूँ मैं, तो करंट का भी क्या होता है, एवरेज वैल्यू ज़ीरो होती है। करंट की जब एवरेज वैल्यू ज़ीरो और कास ओमेगा टी वैल्यू क्या होगी, इसकी भी आप लोग पढ़े हैं, इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है वन साइकिल के लिए, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तो ओवरऑल कॉन्स्टेंट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इसे हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, के की वैल्यू ज़ीरो, ये मस्ट है यहाँ पे कि के की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल। अब बच्चों ओमेगा एल क्या है, कुछ रेजिस्टेंस जैसा है, ये क्या है, रेजिस्टेंस जैसा, और वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ये क्या होगा हमारा, कॉस ओमेगा टी। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस को हम लोग पीक करंट कहते हैं, क्या कहते हैं, पीक करंट। तो आई इक्वल टू माइनस आई नॉट, और इसे हम कन्वर्ट करेंगे, मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, मैं पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, आप इसे इतना लिख सकते हो, है ना। ओमेगा टी बच्चों कभी नेगेटिव में नहीं होता, अल्टरनेटिंग करंट के केस में, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के केस में ओमेगा टी की साइन जो होती है नेगेटिव नहीं होती। तो क्या करेंगे हम इसे, नेगेटिव का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा और ये नेगेटिव में, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमारा ये वैलिड हो जाएगा, है ना, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ पे मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ, जो करंट की इक्वेशन आएगी, आई इज इक्वल टू बच्चों आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन हमको मिल जाती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये इक्वेशन मिलता है। अब इस इक्वेशन को आप देख करके बता सकते हो कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है, तो एक ही वर्ड बोलेंगे, या तो लैग या तो लीड। तो ये जनरल इक्वेशन है और उसी से ये आया हुआ है, आप करंट की वैल्यू लेकर के वोल्टेज की इक्वेशन भी निकाल सकते थे। तो यहाँ पे प्लस में आता, अगर हम आई की वैल्यू, सपोज आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी आपको गिवन होता, तो आप वोल्टेज निकाल सकते थे वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, बट आपको क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो करंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इन्हीं दोनों का कंपेयर कराएंगे आपस में और हम बता सकते हैं कि कौन किससे लीड कितना कर रहा है, और इसी को देख करके हम फेजर डायग्राम बनाएंगे और इसका ग्राफ समझेंगे, ठीक है ना। तो पहले वीडियो को स्टॉप करके आप लोग यहां तक नोट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया है। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं इस साइड, तो यहां पे मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, प्योर एल सर्किट का टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आपको तैयार रखने हैं, हमेशा माइंड में होना चाहिए इसमें क्या लीड करता है किससे, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट वही है। अब क्या करेंगे आप लोग, ये बताएंगे यहाँ पे कि जो V नॉट बाई ओमेगा एल है ये क्या है, करंट एम्पलीट्यूड है ना, यहाँ पे हेयर जो I नॉट हमने निकाला है इसे बोलते हैं करंट एम्पलीट्यूड या पीक करंट, करंट एम्पलीट्यूड या पीक करंट या मैक्सिमम करंट कह सकते हो। तो ये है V नॉट बाई ओमेगा एल, आप ये फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो।
ओमेगा एल क्या है यहां पे, वेयर ओमेगा एल इज लाइक अ, इज लाइक अ रेजिस्टेंस, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस जैसा है। दिस इज कॉल्ड सिंपली हम इसको रिएक्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, रिएक्टेंस, लेकिन ये रिएक्टेंस इंडक्टर का है इसलिए इसे हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई एक्सएल, इट इज डिनोटेड बाई एक्सएल, इसे हम लोग एक्सएल से डिनोट करते हैं। यू कैन राइट एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, इक्वेशन नंबर इसको बना दिया तो फर्स्ट इसको कर दीजिए और इसको आप बना दीजिए सेकेंड नंबर और इसको बना दीजिए थर्ड नंबर। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी है बच्चों, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, यहां रखेंगे तो एक्सएल इज इक्वल टू 2πfL, ये कंक्लूजन मिलता है। तो जो रिएक्टेंस हमारा है एक्सएल, एक्सएल ये डिपेंड करता है एल पर और फ्रिक्वेंसी पर, डायरेक्टली डिपेंड है, एल तो कांस्टेंट है, 2πकांस्टेंट है, तो यू कैन राइट एक्सएल एज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा और उतना ही ज़्यादा इसका रिएक्टेंस बनेगा। तो आप इसके बीच अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं फ्रिक्वेंसी और एक्सएल के बीच, तो एक्सएल इस साइड ले लेंगे, फ्रिक्वेंसी इधर, तो इसका इससे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। फ्रिक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडक्टेंस, इसकी भी एसआई यूनिट ओम होती है, क्या होती है, एसआई यूनिट इज ओम, एसआई यूनिट इज ओम, ठीक है। तो ये तो कुछ कंक्लूजन था इससे, ठीक है। अभी बात करते हैं कौन लीड करता है, इसमें माइनस पाई बाई टू है, माइनस पाई बाई टू मतलब ओमेगा टी से पाई बाई टू ये कम है, कम होने का मतलब है यहाँ पे पीछे है, किससे, वोल्टेज से पाई बाई टू एंगल करंट पीछे है। तो यू कैन राइट, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को स्टॉप करके, इसको आपने स्टॉप कर लिया है और नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि करंट lags behind from voltage by angle pi by 2, angle pi by 2 मतलब 90 degree हमारा करंट जो है पीछे चल रहा है, 90 degree करंट पीछे चल रहा है भाई, ये करंट आगे, मतलब जब फेजर इसका देखेंगे आप लोग फेजर, तो क्या कर रहा है कि वोल्टेज आगे आगे चल रहा है और करंट पीछे पीछे, पहले वो मैक्सिमम हो गया तो उस टाइम वो जीरो था, जब वो मैक्सिमम से आगे बढ़ा तब जाके ये मैक्सिमम हुआ, कुछ इस तरह से ये इनके बीच क्या रहता है, डिफरेंस आ जाता है, मतलब करंट और वोल्टेज दो ही चीज़ हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं समझने के लिए इसी में, वो है फेजर डायग्राम, इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा। तो फेजर डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, एक रोटेटिंग वेक्टर लेते हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे कि हमने कहा कि ये दो एक्सिस है आपके और इस पर हम फेजर्स को डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे फेजर को, तो क्या करेंगे, ये ओरिजिन है आपका, अगर हमको वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, फेजर ड्रॉ कर दिया हमने, ये वोल्टेज का जो फेजर मतलब वेक्टर होता है ये पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, आप सब जानते हो है ना, ये पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और किसी इंस्टेंट पर इसका जो फेज है वो कितना है, एंगल वो है ओमेगा टी,
इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट किया है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो इसका जो डायरेक्शन है हम यहाँ पे एरो दिखा देते हैं, कितना एंगल घूमा ये ओमेगा टी घूमा है, तो उस समय करंट कहाँ होगा, मतलब करंट एम्पलीट्यूड कहाँ पे रहेगा, उसका फेजर ड्रॉ करना है, यही समझना है। तो ये तो ओमेगा टी जा रहा है, तो इससे कितना पीछे है पाई बाई टू, दैट मीन्स 90 डिग्री ही करंट पीछे चल रहा है, लैग्स बिहाइंड है। तो इससे पीछे हम क्या करेंगे 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे एक फेजर ड्रॉ कर देंगे, कितना एंगल ये एंगल पीछे, मतलब से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना पाई बाई टू एंगल। तो ये जो एरो है ये करंट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है करंट एम्पलीट्यूड को, आई नॉट को, ये वी नॉट को, इससे कितना पीछे है पाई बाई टू, यही है फेजर डायग्राम। और अगर इसके इस एंड से और इस एंड से हम वर्टिकल एक्सिस पर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो एट एनी इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू देगा, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे ये मैंने सिखाया आपको, यहाँ पे आपने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया तो ये आपका करंट हो जाएगा, मतलब वोल्टेज, ये वोल्टेज का प्रोजेक्शन है तो वी हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन कहाँ ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये करंट आई की वैल्यू हो जाएगी एट एनी इंस्टेंट पर, ठीक है। तो ये फेजर है, और फेजर को समझने के बाद हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वन साइकिल के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किया था बच्चों वन साइकिल के लिए कॉस ओमेगा टी जीरो और एवरेज करंट जीरो, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जीरो, उस बेस पर करंट हमारा इक्वेशन ये मिला है। तो हम वन साइकिल के लिए ही करंट एंड वोल्टेज वर्सेस ओमेगा टी एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हम वाई एक्सिस ले लेते हैं और इधर लेंगे एक्स एक्सिस, इस साइड लेंगे ओमेगा टी, मतलब वन साइकिल के लिए यहां ओरिजिन हो जाएगा, और इधर लेंगे वोल्टेज एंड करंट वी और आई। तो ओमेगा टी के लिए ग्राफ तो साइनसोइडल होता है जो कि ओरिजिन से जाता है, तो ग्राफ तो सीधा पहले एक ओमेगा टी के लिए बना दीजिए, ये है आपका ओमेगा टी के लिए मान लीजिए ग्राफ है। तो जब ये जीरो था तो करंट कहां था, उससे पीछे चल रहा था, कितना पाई बाई टू, मतलब उस समय करंट मैक्सिमम था। पाई बाई टू का मतलब क्या हुआ, अगर ये ऐसे रोटेट करे ऐसे तो ये वी नॉट कहाँ पर रहेगा, यहाँ पे होगा, आई नॉट यहाँ पे होगा, कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अगर ये और घूम जाए थोड़ा सा ऐसे हो जाए तो कितना घूमा ये 90 डिग्री, मतलब जब ये अगर थोड़ा इसको और पीछे ले जाइए तो ये कहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो पर आ जाएगा, और ये क्या जाएगा मैक्सिमम पे, तो कितना एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब मैक्सिमम रहेगा ये, जो ये हमारा प्रोजेक्शन है आई हम इंस्टेंटेनियस ले रहे हैं, यही आई हमारा मैक्सिमम होगा जब ये क्या रहेगा ओमेगा टी होगा। तो ओमेगा टी के लिए ग्राफ ये हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के लिए ग्राफ हम यहाँ से लेंगे, ये मान लेंगे एम्पलीट्यूड है करंट आई नॉट, यहाँ मैक्सिमम था उस समय ये जीरो था, जब ये यहाँ से घट करके क्या होगा ज़ीरो होगा ऐसे इस पॉइंट पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इस पॉइंट के लिए कितना आ गया हमारा पाई बाई टू, पाई बाई टू हो जाएगा, मतलब जो टी बाई फोर टाइम पीरियड होता है टी बाई फोर वहाँ पे क्या होगा पाई बाई टू रेडियन, मतलब जो घुमा हुआ है, जब ये फिर जीरो होगा इस पॉइंट पे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, मतलब पाई एंगल के लिए करंट हमारा जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम यहाँ पे, ये करंट ग्राफ है, ठीक है करंट ग्राफ। जब ये जीरो आएगा मतलब थ्री पाई बाई फोर यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर तो करंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। फिर जब ये मैक्सिमम घट के ज़ीरो का वोल्टेज तो हमारा करंट जो है ये मैक्सिमम हो जाएगा, कितना ये टू पाई के लिए मैक्सिमम हो जाएगा, दिस इज़ द करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट,
ठीक है, आई नॉट, ये है वी नॉट। तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, वी एंड आई वर्सेस ओमेगा टी, ये ग्राफ होगा, दिस इज द फेजर डायग्राम। इसी बात को हमने ग्राफ से समझाया है, और ग्राफ को आप ऐसे समझ सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज में ओमेगा टी गया है तो ये किधर गया है, क्लॉकवाइज में 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू पीछे है, ये आप बता सकते हो। क्लियर है, एनी डाउट इसमें? तो ग्राफ के बाद हम एक कॉन्सेप्ट इसमें और छोटा सा आता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे एक्सएल इक्वल टू आपने पढ़ा 2 पाई एफ एल, तो हियर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की होती है। तो बात करें फॉर डीसी करंट के लिए, फॉर डीसी तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो, क्योंकि इसमें है डायरेक्शन का चेंजेस नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी जीरो डीसी करंट के लिए, तो फ्रीक्वेंसी जीरो, तो एक्सएल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि इंडक्टर जो है डीसी करंट को बहुत ही इजिली अलाउ करता है, बहुत ही इजिली, क्योंकि उसका रिएक्टेंस जीरो मतलब अपोज नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ अगर अल्टरनेटिंग करंट आएगा तो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। यहां से बात क्लियर होती है, डीसी के लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जीरो तो एक्सएल जीरो, इसका मतलब कि इंडक्टर जो होता है डीसी को इजिली अलाउ करता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट का अपना फ्रीक्वेंसी होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सएल डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यू कैन से कि अल्टरनेटिंग करंट का हमेशा क्या करेगा, ये अपोज करेगा इस रिएक्टेंस के हेल्प से। तो इंडक्टर का अपना एक रिएक्टेंस होता है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट का ये अपोज करता है। आई होप कि प्योर इंडक्टिव सर्किट आपको क्लियर हुआ होगा, फेजर डायग्राम, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ग्राफ, और कहाँ इंडक्टर को अपोज करता है, किसको किसको नहीं करता, किसको इजिली अलाउ करता है, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ एल, सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो इस पर आप क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो, वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का टॉपिक जो है प्योरली सी सर्किट, मतलब जब एसी सोर्स के साथ में एक कैपेसिटर लगा हो, तब तक यहाँ तक आप लोग पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।